सावधान हो जाओ टीम इंडिया। टेस्ट सीरीज से पहले बांग्लादेशी कप्तान ने दे दी है खुली धमकी। टीम इंडिया को रौंदने के लिए तैयार बैठे हैं बांग्लादेश के ये तीन बड़े हथियार। इन तीनों ने ही पाकिस्तान को चित कर दिया था, उसी बात का घमंड में है बांग्लादेशी कप्तान। भारत को उसके घर में घुसकर हराने का जज्बा लेकर आ रहे हैं बांग्लादेशी। टीम इंडिया कर को प्लान तैयार कर इस बार आसान नहीं होगा इनको हराना, टेंशन में गंभीर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया इस समय पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक जो हार पाकिस्तान ने झेली है उससे सीख लेकर बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी तैयारी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश वो टीम है जिसको हल्के में लिया था पाकिस्तानी टीम ने। हंस रहा आपके सामने, पाकिस्तान जिस बुरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश से हारा है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरे विश्व में शर्मसार हुई है वैसा भारत के साथ ना हो, इसके लिए टीम इंडिया एक खतरनाक प्लान को बनाने की तैयारी में जुटनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के पास तीन हथियार हैं और वो तीन हथियार ही काफी हैं किसी भी खतरनाक टीम को हराने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश को अब तक हम ये सोच कर इग्नोर करते आ रहे थे कि बांग्लादेश एक कमजोर टीम है और उसे कभी भी हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम इंडिया को अभी भी WTC के फाइनल में जाने से पहले 10 मैचेस खेलने हैं, और उन 10 मैचेस में 5 मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं जो कि उनके ही घर पे हैं, तो वहां पर जीत पाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों जो 5 मैचेस भारत में होने हैं उनमें ही भारत को अपना एक अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों उन्हीं में से दो टेस्ट मुकाबले बांग्लादेश से होंगे, और अगर ये मैचेस भारतीय टीम हारती है तो निश्चित ही है कि उसका WTC फाइनल का टिकट कट भी जाएगा। अब दोस्तों इतना आसानी से भारतीय टीम बांग्लादेश को हरा भी नहीं पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया को तीन तीन खतरे झेलने पड़ेंगे। नंबर एक पर नाम आता है हसन महमूद। ये काफी खतरनाक गेंदबाज हैं दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने परेशान करके रखा था। इनकी पेस बॉलिंग के आगे दोस्तों काफी ज्यादा परेशानी हुई थी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, क्योंकि ये यहां पर काफी अच्छी स्विंग कराते हैं, और इनकी स्विंग की ही यहां पर दोस्तों दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके के स्विंग कराते हैं उससे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को भी परेशानी हो सकती है। अगला जो नाम निकल कर आ रहा है उस नाम से तो आप जरूर वाकिफ होंगे, और वो नाम है मेहंदी हसन मिराज। इस समय दोस्तों दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट गेंदबाजों में से अच्छे हैं, अच्छी स्पिन कराते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेहंदी हसन अब बल्लेबाजी भी करने लगे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई थी टेस्ट सीरीज, उसमें इन्होंने 80 के औसत से बल्लेबाजी की थी, जहां पर इन्होंने दोस्तों टॉप 4 हाईएस्ट रन गेटर में इनका नाम था, जो दिखाता है कि मेहंदी हसन की स्पिन के अलावा उनकी बल्लेबाजी से भी हम लोग को बचना होगा। उसके अलावा अगला नाम है दोस्तों नाहिद राणा का। ये खिलाड़ी 6 फुटिया खिलाड़ी दोस्तों 145 प्लस की स्पीड से गेंद डालता है, और जब गेंद इसके हाथ से छूटती है तो ऐसा लगता है आसमान से होकर नीचे आ रही है। ऐसे में ये खिलाड़ी भी परेशानी का सबब बन सकता है भारतीय टीम के लिए। आप किस पर क्या राय कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।